अस्सलाम वालेकुम। सो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आईपी कंप्लेंट्स को बेसिकली मिनिमाइज़ कैसे करना है, या कैसे इन प्रोडक्ट्स के जब जब ड्रॉप शिपिंग के लिए जब आप सिलेक्शन करेंगे तो कैसे आपने ये ख्याल रखना है कि इसमें आईपी कंप्लेंट्स के चांसेस कम से कम हो। ठीक है, ऑफ कोर्स हम गारंटी नहीं देते, ना कोई भी नहीं दे सकता, लेकिन आपकी जो जो थोड़े बहुत हम स्टेप्स फॉलो करते हैं उसके बिहाफ पे वो चांसेस जो है या रिस्क जो है उसका बहुत मिनिमाइज हो जाता है। अब मेरे पास ये एक प्रोडक्ट है, एग्जांपल के तौर पे यह है कैस्केड डिश वॉशर डिटर्जेंट। ठीक है, इसमें अमेजोन सेल नहीं कर रहा, तो हमने पहले यहाँ देख लिया कि ये 28 सेलर्स इसमें लगे हुए हैं। अब ये देख के मैं वैसे ही अज्यूम कर लेता हूँ कि इसमें कोई आईपी रिस्क की कंप्लेंट नहीं है। ठीक है, नहीं आएगी, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सेलर्स बैठे हैं। अगर ये सेलर्स 20 से कम होते, 15 से कम होते, तो शायद हम फिर कुछ सोचते, या 10 से कम होते, 6-7 होते, तो हम सोचते कि अच्छा इसमें चांसेस 6-7 जब होते हैं तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि जी उसमें आईपी कंप्लेंट आ सकती है। ठीक है, एक चीज़ चीज़ का ख्याल रखें। अब 28 सेलर्स इसमें बैठे हैं, इसका मतलब ये ऑलरेडी ड्रॉप शिप हो रही है और ऑलरेडी ड्रॉप शिपर्स बैठे होंगे। तो आप 28 सेलर्स पे क्लिक कर दें और इसके सेल सेलर्स टेबल में चले जाएं, या जो सेलर्स का जो लिस्ट आ रही है, ऑफर पेज का जो आ रहा है ऑफर पेज, यहाँ हमने आके देख लिया। अब पहले तो हमने ये देख लिया कि जी ये सारे जो बैठे हैं ये शुरू में तो सारे प्राइम बैठे हैं, प्राइम सेलर्स हैं, तो ऑफ कोर्स ये ड्रॉप शिपिंग तो नहीं कर रहे, प्राइम ही इतने सारे हैं। अब प्राइम के अलावा वाले सेलर्स आपने देखने, आपने प्राइम वाले नहीं देखने। ठीक है, इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। तो अब जैसे ये सेलर आ रहा है मार्कडाउन मेनिया और ये प्राइम नहीं है, फिर ये नेम ब्रांड ओवर स्टॉक है, ये भी प्राइम नहीं है। अच्छा, ये वाले जो बिजनेसेस हैं, जो जो सेलर्स हैं जिनके जो रिस्क फैक्टर को हम रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, वो हम क्या चीज़ देखते हैं, हम पहले रेटिंग्स देखते हैं। रेटिंग्स कैसी हैं इनकी, इनकी रेटिंग्स इसकी 4,000 है, इसकी 8,500 से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये एक ऐसा मालूम होता है कि ये पुराने सेलर है, लाइक 4-5 साल पुराने या 3-4 साल पुराने सेलर्स होंगे जो कि ऑलरेडी अमेजोन पर बैठे हुए इतने अरसे से और ये काम कर रहे हैं और ये कम्पीट भी कर रहे हैं। आप देखेंगे ये प्राइम वालों से कम्पीट कर रहे हैं एक्चुअली इनकी प्राइसिंग में। तो ये मोस्ट लाइकली चांसेस है कि ये ड्रॉप शिपर्स नहीं है, क्योंकि इनके इनके रेटिंग्स बहुत हाई हैं और उसके अलावा ये प्रोडक्ट्स में कम्पीट कर रहे हैं। लेकिन अगर इसको मेक श्योर करना है कि ये ड्रॉप शिपर है या नहीं, तो इसको ओपन कर लें, ये दूसरे सेलर को, उसके स्टोर में जाएं। ठीक है, स्टोर में आ गए, यहाँ प्रोडक्ट्स में आ जाए और यहाँ पे देख लें कि अब क्या सिचुएशन है। अब इसके पास 10,000 प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अब हम दूसरे वाले को भी ओपन कर लेते हैं, जैसे ये नेम ब्रांड वाले को भी ओपन कर लेते हैं। मुझे यहाँ पे इसके ऊपर ड्रॉप शिपर का शक इसलिए हो रहा है कि ये 90% इनकी रेटिंग है और इसकी 95% है, तो ये थोड़ा सा एक शक वाली बात है। तो अब ये नेम ब्रांड पे आ जाते हैं, इसके प्रोडक्ट्स के पेज पे आ जाते हैं, इसके पास 6,000 लिस्टिंग है। ठीक है, तो अब 6,000 और 10,000 लिस्टिंग्स वाले जो सेलर्स होते हैं वो उमूमन ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा स्टॉक रख के अपने पास बैठे हों, ऐसे बहुत कम होंगे जैसे जिनके अपने स्टोर्स या अपने वेयर हाउसेज हों यूएसए में, और वहाँ पर वो स्टॉक रखें और फिर वो वहाँ से बेचें। ठीक है, तो ऐसा ऐसा बहुत कम होते हैं ऐसे बेसिकली। अलबत्त ये एक सिचुएशन होती है जहाँ पे हम इन सेलर्स को भी अवॉइड करते हैं। आपने ढूंढना क्या है एक्चुअली, मैं वो आपको बताना चाह रहा हूँ। आपने वो सेलर्स ढूंढने, अब देखें ये वाले सेलर्स जो है, ये 2,25,000, 56,000, सॉरी 3,700, ठीक है 12,000 के करीब इसके पास है। तो ये ऐसा नहीं लग रहा मुझे कि ये ड्रॉप शिपर है, और अगर ड्रॉप शिपर है भी तो ये ऐसी सिचुएशन में होंगे कि इन्होंने परमिशन ऑब्टेन कर ली होगी। ठीक है, जो पुराने सेलर्स होते हैं, जो बड़े सेलर्स होते हैं, वो बड़े ब्रांड से परमिशन ऑब्टेन कर लेते हैं, आई मीन ले लेते हैं, बड़ा आसान हो जाता है उनके लिए, क्योंकि उनका वॉल्यूम इतना बड़ा होता है कि वो अपने वॉल्यूम दिखा के भी परमिशंस ले लेते हैं, या परमिशन ना भी लें तो उनके साथ होलसेल का अकाउंट बनवा लिया, फिर होलसेल के अंदर उनसे डायरेक्ट ड्रॉप शिप, अगर वो ब्रांड या उनका कोई ऐसा होलसेलर है जो कि ड्रॉप शिपिंग कर रहा है तो ये वहाँ से ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, या फिर इनके पास कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन है जिसके थ्रू इनके लिए आसानी बन जाती है। ठीक है, तो इतने बड़े लोग जो बैठे हैं, बड़े बड़े सेलर्स बैठे होते, तो मैं फिर सिर्फ अगर ऐसे ही सेलर्स बैठे हैं किसी आइटम के ऊपर तो मैं उनको अवॉइड करूंगा।
ठीक है, मैं उस आइटम को अवॉइड करूँ। अब मैं एग्जाम्पल दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये आ रहा है एक गो इन PW या वॉट एवर इसका नाम है, इसकी हालत देख लें, $26 में है। एक आइटम 10 या 11 डॉलर का है, वहाँ पर ये $26.91 के ऊपर ये आइटम को सेल करने की कोशिश कर रहा है, और 63 रेटिंग है, 101% ड्रॉप शिपर है, और वो भी उसकी रेटिंग भी की भी हालत ख़राब हुई हुई है। बल्कि मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये आखिरी सांसों पे है, कुछ ही अरसे में ये जाएगा ये, क्योंकि इसको एक आध दो और नेगेटिव फीडबैक लग गया तो इसका अकाउंट सस्पेंड हो जाना है। ठीक है, तो ये बड़ी बुरे हालात में ये ऐसा है, तो दो तीन नेगेटिव फीडबैक मिलेंगे और ये जा सकता है। बहरहाल वो अल्लाह बेहतर जानता है। अलबत्त हम यहाँ पे ये देख रहे हैं, अब ये देखें, ये भी जो है वो एक ड्रॉप शिपर हो सकता है। सेव मार्ट 86% है और ये है इसकी कंडीशन, ये 30, ये तो $30 से भी ज़्यादा सेल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे दो ही लोग बैठे हैं, बाकी सारे बड़े बड़े सेलर्स बैठे हैं। अब बड़े बड़े सेलर्स जहां बैठे होते हैं वहां पे, अच्छा दूसरी बात ये कि आपको ये आइटम इतना आराम से मिलेगा भी नहीं अगर आप न्यू सेलर हैं। तो अब न्यू सेलर हैं और आप भी कोशिश करेंगे 20-25 डॉलर्स वाली आइटम इसमें लिस्ट करने के लिए उस प्राइस पे, 20-25 पे, तो फायदा नहीं है, बिल्कुल भी फायदा नहीं है, क्योंकि एक आइटम की प्राइसिंग 10-11 डॉलर्स है, इतने सारे प्राइम सेलर्स बैठे हुए हैं, और दूसरी बात के सारे ही जॉइंट सेलर्स हैं, एक या दो ड्रॉप शिपर्स मौजूद हैं उसके अंदर, तो मैं इस आइटम को लिस्ट नहीं करूंगा। यार इसमें आईपी कंप्लेन के वैसे चांसेस नहीं है, मतलब मैं आपको ये बता दूं कि ये आईपी कंप्लेन के हवाले से सेफ है तकरीबन, ऐसा लग रहा है, लेकिन इसको सेल करने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप भी कम्पीट नहीं कर पाएंगे और बहुत सारे सेलर्स प्राइम के अंदर बैठे हुए ऑलरेडी। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से हम इस आइटम को अवॉइड करेंगे। ठीक है, कोई और आइटम हम सर्च करके देख लेते हैं एक, ताकि एक आइडिया मिल जाए कि कौन सी किस टाइप की आइटम जो है वो सेफ है। अच्छा, ये प्रोडक्ट कैस्केट की डिश वॉशर डिटर्जेंट ही है, लेकिन डिफरेंट प्रोडक्ट है, तो हम इसको देख लेते हैं। इसके अंदर तकरीबन 40 से ज़्यादा, मेरे ख्याल से जी 40-50, जहाँ 40 से ज़्यादा जो है सेलर्स बैठे हैं, और ये पहला पेज है सेलर्स टेबल का जो जिसमें हम आ जाते हैं। तो आप देखें, अमेज़ॉन सेल कर रहा है और उसके फ़ौरन बाद, यानी कि उससे थोड़ी सी ज़्यादा प्राइसिंग के अंदर, दूसरा सेलर बैठा है बार्गेन बकेट, और ये भी देखने से बज़ाहिर ड्रॉप शिपर ही लग रहा है, क्योंकि इसके 1,000 से कम रेटिंग्स हैं, 86% पॉजिटिव है, यानी कि काफ़ी ख़राब है। एक्सेंशियल जो है ये भी एक ड्रॉप शिपर है, 624, क्योंकि इनको मैं ज़ाती तौर पे भी मैं जानता हूँ, और जैसे ये 570। अच्छा, ये देखिए पहले ही पेज पे आपको ड्रॉप शिपर्स मिल रहे हैं सारे। ठीक है, पहले ही पेज पे आपको ज़्यादा ड्रॉप शिपर्स नज़र आ रहे हैं। ये भी 603 है, ये भी ड्रॉप शिपर है, अशर एंटरप्राइज। तो जब ये सिचुएशन होती है तो ये ड्रॉप शिपिंग के लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, आई मीन सेफ प्रोडक्ट है ये, इसमें कोई रिस्क आईपी का इस वक्त नज़र नहीं आ रहा बज़ाहिर, क्योंकि इतने सारे, पहली बार 40 से ज़्यादा लोग बैठे हैं और सारे शुरू में प्राइम भी नहीं हैं, जो ड्रॉप शिपर्स बैठे हैं शुरू में ही जो है वो आपको पहले ही पेज पर ड्रॉप शिपर्स नज़र आ जाते हैं, इसका मतलब ये प्रोडक्ट सेफ़ है। आप इसको आई मीन बिल्कुल आराम से जो है आप भी लिस्ट कर दें इसके ऊपर, एज लॉन्ग एज के आप इन लोगों से कम्पीट कर पाएंगे पहले पेज पर, तो आपको भी सेल्स मिलेंगी। और दूसरी बात कि बाय बॉक्स जिसके पास है, ये चीज़ भी जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ, बाय बॉक्स जिसके पास है उससे 5% ज़्यादा प्राइस के ऊपर भी अगर आपने लगाया हुआ है अपना प्राइस, तो आपको बाय बॉक्स दोबारा मिल सकता है, उसके चांसेस हैं। बाय बॉक्स इसी तरीके से जंप करता है या रोटेट करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसके अमेज़ॉन अगर बैठा है तो वो तो फ्रीक्वेंटली मिलता जाएगा, ऐसा नहीं होता। अमेज़ॉन जब बैठा होता है तो फिर बहुत मुश्किल होता है कि किसी और को बाय बॉक्स मिले, और स्पेशली अमेज़ॉन खुद प्राइम में बेचेगा और दूसरे जो है वो प्राइम में नहीं है इस वक्त, तो बड़े मुश्किल चांसेस हैं, अनलेस ये उसी वक्त आप इसको सेल कर पाएंगे जब अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक जाएगा। तो आप यहाँ देखेंगे कि अमेज़ॉन ये पिछले मई के महीने में आउट ऑफ स्टॉक गया था, और इस दौरान ये में जो लोग यहाँ पे सेल कर रहे थे इन लोगों को मतलब काफ़ी अच्छी सेल्स मिली होंगी उस वक्त इस प्रोडक्ट की।